हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, जय श्री कृष्ण, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए, मैं जा रही हूँ नानी के घर और आज दोपहर से व्लॉग स्टार्ट हो रहा है और रास्ते से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि लेट हो गया, इसीलिए मैंने रास्ते से स्टार्ट किया। घर पहुँच कर शायद मेरा वेट ना हो रहा है इसीलिए। चलिए फटाफट चलते हैं और हम जा रहे हैं बाहर, मतलब कि नी वेट करने जा रहे हैं क्योंकि मेरे मामा की जो बोट है ना वो आज फिशिंग के लिए जा रही है। तो फिशिंग पे जब बोट जाती है ना तो इससे पहले हमें निवेद करने होते हैं, तो वही करने जा रहे हैं मट्टा जी के यहाँ, सूरपुरा के यहाँ और दो तीन और जगह हैं, तो बस वहीं पर जाना है। तो इसीलिए मैं बस पहुँचने वाली हूँ नानी के घर पर। किसी का फ़ोन भी आ रहा है लेकिन चलिए पहले पहुँच जाती हूँ, शायद मेरा वेट हो रहा है इसीलिए। चलिए, अभी सभी लोग आ चुके हैं और हम जा रहे हैं माता जी के मंदिर पर निवेद करने के लिए। चले चलते हैं और वहीं जाकर आपको दिखाती हूँ। देखिए तो अभी हम सब लोग उतर चुके हैं और नानी न्यू रोशन एक साथ बैठ कर जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर छाट के काम चल रहे हैं अभी, और अभी जा रहे हैं हम सिकोतेर माता के मंदिर पर। देखिए तो आ चुके हैं मंदिर में और सभी लोग बेल बजा रहे हैं। ये है सिकोतेर माता। तो देखिए यहाँ पर नौ माता जी है, फिर मामी स्टार्ट कर रही है निवेद का, जो भी करना होता है ना वो। तो देखिए नानी है ना वो सबको दिख कह रही है कि पहले तो यहाँ पर बोईड़ी का झाड़ था। देखिए नानी गुजराती में कह रही है। देखिए इतनी सारी चीजें होती है ये नागर का कान, मावा का पेड़ा, सुपारी, लौंग और इलायची, ये प्रसादी में माता जी को अर्पण करेंगे। और क्या होता है, नारियल और सब। देखिए नारियल पर यहाँ रख दिया है और साथ में खीर भी होती है, लेकिन मैं बताना भूल गई। देखिए वहाँ पर सामने खाड़ी है और यहाँ पर बाहर सिफर बधाने का है, तो वहाँ पर सिफर सब फोड़ते हैं ना और वहाँ से बोट निकलती है तो उस पर भी स्लीपर फोड़ते हैं, ऐसा वाला सीन होता है दोनों में एक साथ वाला। लेकिन आज वो सीन हमें देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि हमारे नसीब में नहीं है, बोट सुबह ही चली गई है, अभी हम आराम से निवेद करने आए हैं। बाकी वैसा होता है कि दोनों में साथ में स्लीपर फोड़ते हैं। लाइए लीजिए, देखिए प्रसाद यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो भी झाड़ का काम करते हैं। देखिए अभी हम आ चुके हैं बादल शाही परिवार के सुथिन के यहाँ पर और पूजा हो चुकी है, अभी थोड़ी देर में चलिए चलते हैं दूसरी जगह पर। देखिए तो अभी हम आ चुके हैं चेटी चेटी चेटी, तो चेटी के पास आ चुके हैं और हम आ चुके हैं अभी खदर के मंदिर पर और उस तरफ है समाट, तो वहाँ हमारे हैं तो वहाँ हम जाते हैं। जब हम जाएंगे ना तब आपको दिखाएंगे। तो अभी तो चले खदर के मंदिर दरगाह मंदिर पर दरगाह चलते हैं और दर्शन करते हैं। तो देखिए दादा हैया तू नबी नो छिल्लो, ये है यहाँ पर। हम तो बचपन से खदर दादा के नाम से ही जानते हैं, दरिया देव है ऐसा नाना नानी कहते हैं। देखिए यहाँ से समंदर का व्यू और जेडी बिल्कुल सामने है, पास जाकर आपको दिखाती हूँ क्योंकि अभी अंदर निवेद का काम चल रहा है।
तो ये देखिए समुंदर का व्यू, और शायद वहाँ पर तो सब लोग खेल रहे होंगे, वो आकरा ऐसा कहते हैं या फिर पत्ते, और वो रही चेती कितनी नज़दीक है देखिए। ये मैं जूम कर कर आपको दिखा रही हूँ, लेकिन बिना जूम के भी देखिए कितनी नज़दीक दिख रही है। ये देखिए आप जो देख रहे हैं ब्लू और वाइट पत्ते वाले का जो है पूरा बिल्डिंग, वो कोई प्लांट है, पर किसका प्लांट है वो मुझे पता नहीं है, पर वो कोई प्लांट है तो वो है, पर वो हमारे पुराने घर से भी दिखता है ये। जब हम पुराने घर जाएंगे ना तो आपको दिखाएंगे, लेकिन पुराने घर में अभी जाने लायक बच्चा नहीं है तो इसीलिए, पर अगर जाएंगे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी वहाँ से ये दिखता है। चलिए तभी प्रदक्षिणा कर लेते हैं, क्योंकि प्रदक्षिणा भी यहाँ पर करनी होती है तो वो कर लेते हैं। और अंदर एक बड़ी साइज़ का, एक छोटी साइज़, मीडियम साइज़ का बड़ी बोट जहाँ हमारी गुजराती में वाहन कहते हैं ना, वाहन वो भी है, तो वो आपको दिखाती हूँ। पर अंदर है तो मैं अंदर नहीं चल सकती, बाहर से आपको दिखाऊँगी। देखिए यहाँ पर है, चलिए अभी हम जा रहे हैं वापस नहीं, अभी ये तीसरी जगह कोई चौथी जगह जा रहे हैं, तो वहाँ चलकर आपसे मिलते हैं। तो बेसिकली ये सारा पूरा जो एरिया है ना वो सुभाष नगर है, तो फिलहाल हम सुभाष नगर में हैं। सबको पता ही होगा कि बोर्ड के निवेद कहाँ कहाँ होते हैं, तो सुभाष नगर में ही ज़्यादातर होते हैं। देखिए अभी हम आ चुके हैं मामल्या दर्रा के मंदिर पर, और देखिए यहीं पर ही बोट है, और बाकी सारी बोटें उस तरफ है। ये बंदर के सामा काठा है उस तरफ, बंदर हमारा घर वो वाला है, कल जब रात को हम निकले थे ना वो वाला रास्ता उस तरफ है। और पीछे भी देखिए सारी बोट है, और कुछ दिनों में सारी बोटें गायब हो जाएगी, 2 से 3 दिनों में। देखिए अभी हम नज़दीक से बोट को देखने के लिए आ गए हैं, लेकिन और ज़्यादा नज़दीक नहीं चाहिए, देखिए पानी है, और ज़्यादा नज़दीक नहीं चाहेंगे क्योंकि डर लगता है अभी गिर जाएंगे तो तैरना भी नहीं आता हमको। तो देखिए भैया नीचे चला गया, खाना बन रहा है अभी सभी जगह पर, देखिए वहाँ पर भी खाना बन रहा है। देखिए तो ये येलो और जो रेड ढांचा वाली है ना वो हमारी बोट है, और उसमें कुछ काम चल रहा है अभी। हम यहाँ कसर में आकर खड़े हैं, यहाँ पर ट्रक खड़ा होता है ना वो जगह है ये। देखिए यहाँ का नज़ारा, यहाँ से बोट में बर्फ जाता है, मतलब भरा जाता है। हम कहाँ खड़े हैं और वो लोग कहाँ हैं नीचे, हम यहाँ ऊपर आ चुके हैं। हेलो हेलो हेलो, चलिए तो हम यहाँ से जा रहे हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं खाखराय माता के मंदिर पर, तो आज आपको अच्छे से दर्शन करवाऊंगी, क्योंकि उस दिन मैं मंदिर में नहीं जा सकती थी इसीलिए नहीं करवा पाई, तो आज आपको अच्छे से दर्शन करवाऊंगी। देखिए आते ये मेंढक दिख गए हैं, मेंढक देखिए फोन में तो दिख भी नहीं रहा है, कहाँ है देखिए। ये है छोटा सा मेंढक, देखिए खुद का भी मार रहा है। ये देखिए मंदिर के बाहर का नज़ारा, यहाँ खेत है पूरे। और वो हिंदुस्तान का फ्लैग,
देखिए तो मैंने दो फूल तोड़े हैं माता जी को चढ़ाने के लिए। अभी मामी पूजा कर रही है, उसके बाद मैं चढ़ा कर आती हूँ फूल। ये वाले देखिए फूल चढ़ा दी है माता जी को, अभी दर्शन कर लेते हैं और आप भी कर लीजिए। हम जा रहे हैं वापस घर की तरफ, सभी जगह निवेद हो चुके हैं, आरती अभी चल रही है। अच्छा जय बुला दीजिए दोबारा से, कोई सुन नहीं रहा। देखिए जय देखिए यहाँ पर इतने सारे मोर है, चार पाँच ऐसा। चलिए तो हम आ चुके हैं फाइनली घर पर, और अभी भी हरिद्वार की बातें चल रही है, लेकिन उसके लिए हम एक अच्छा सा गुजराती लोग बनाएंगे, तो बाकी सब लोग आएंगे ना तब बनाएंगे, अभी तो हिंदी भी चलेंगे, तब हम चर्चा करेंगे हरिद्वार पर। देखिए तो हमें प्रसादी मिल चुकी है, खीर की मुझे पसंद है इसीलिए बोट की प्रसादी और ये कांक की प्रसादी, इतना बड़ा चम्मच खा रही है। देखिए देखिए अभी हमारा भेल का प्रोग्राम है, तो ये बॉइल्ड आलू और मसाला डाल दिया है इसमें, ये आ गई चटनी और बज चुके हैं शाम के 8 बज चुके हैं, तो ये देखिए मुड़ भी आ गए और बन गई हमारी भेल। देखिए अभी रीति भी आ गई है लास्ट मिनट पर। घर पर आ चुके हैं और बच चुके हैं रात के 10, और कल रात की भी मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, तो मैं फटाफट से बस थोड़ी देर जगूंगी और सो जाऊंगी कि मैंने कल 1 ही घंटा नींद ली है, तो नींद भी आ रही है इसीलिए। तो इस व्लॉग को हम यहीं एंड कर लेंगे। ये व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, जय श्री कृष्णा। और नीचे पैर में जी नहीं आ रही थी ना, इसलिए मैं ऐसे ऐसे हो रही। चलिए मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक गुड नाइट, बाय बाय, जय श्री कृष्णा।